नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार के पूर्णिया में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक महादलित बस्ती में उत्पात मचाया, जिसमें एक चौकीदार की हत्या हो गई, साथ ही महिला और बच्चियों के साथ मारपीट की गई। बता दें कि यह इलाका बिहार के सीमांचल में है। अमूमन लोगों का मानना है कि सीमांचल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कुछ कथित फेसबुक या इसे तुरंत हिंदू और मुसलमान में इस घटना को जोड़कर देखने लगे। आज सुबह मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने एडिटर के साथ एक तस्वीर साझा की थी, जिस पर एक फेसबुक यूजर ने इस घटना के बारे में जानकारी मांगा। मैंने कहा, धीरज रखिए, सत्य आपके सामने लाऊंगा। अब जानते हैं खबर क्या है। बिहार के पूर्णिया जिले के बायसी थाना में सैकड़ों और सामाजिक तत्वों की भीड़ ने महादलित बस्ती में जमकर कहर बरपाया। देर रात उग्र भीड़ ने महादलित बस्ती में आग लगा दी, जिसमें 13 घर जलकर राख हो गए। इस बीच भीड़ ने पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद महादलितों की बस्ती में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और बदसुलूकी भी की, जिसमें लगभग 10 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए बायसी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बायसी के SDM अमरेंद्र कुमार पंकज, SDPO बायसी थाना प्रभारी अमित कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि आसपास के कई गांवों के सैकड़ों लोगों ने रात के 11 बजे उनकी बस्ती पर हमला कर दिया और आग लगा दी। इस दौरान लोगों ने उनके घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की, उन्हें जमकर पीटा। महिलाओं के शरीर पर जख्म के निशान साफ दिखते हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। अब आते हैं मामले की जड़ पर। क्या वास्तव में कोई धार्मिक मामला है या कुछ और? इस मामले पर जब पूर्णिया पुलिस के SP दयाशंकर जी से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। एक बार मैं फिर से बता दूं, यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। बता दें कि यहां दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद काफी पुराना है। इस जमीन पर वर्ष 2015 में भी एक घटना हो चुकी है। फिलहाल घटना स्थल पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल कैंप कर रही है। कई लोग इस मामले को धार्मिक रूप देकर सीमांचल को बदनाम करना चाहते हैं। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूर्णिया शहर ने कई महान लोगों को दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रख्यात हैं पूर्णिया से सद्गुरु महाराज। वे महान संत के रूप में उभरे थे। और आपको बता दें कि सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब भी बिहार के पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। अंत में आपसे एक बातचीत। फेसबुक या ज्ञान और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को तुरंत ही अपने मोबाइल फोन से शेयर ना करें, पहले उसकी जानकारी के तह तक जाएं। मैंने पहले भी कहा है, खबरें वो नहीं है जो आपको बताई जाती हैं, खबरें वो हैं जो आपसे छिपाई जाती हैं। और इस पूरे प्रकरण में आपसे कई बातें छिपाई गई हैं, जिसे दी न्यूज 9X ने आपके सामने रखा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज 9X को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।